सो हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ हिरा अकील एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन आला मोड। सो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि स्किन के लिए कुछ बताइए ताकि जो डी टैन हो सके स्किन और ग्लोइंग बन सके। तो इसलिए आप लोग की फरमाइश पे मैं ये राइस फेशियल लेके आई हूँ। मैंने राइस से हर चीज़ बनाई है इस फेशियल की, लाइक आई हैव मेड अ राइस स्क्रब, देन राइस क्रीम एंड देन राइस फेस पैक। तो ये फेशियल आप लोग ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। इससे आपकी स्किन को डी टैन होगा, स्किन ग्लोइंग बनेगी, पोर्स श्रिंक होंगे और ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा आपकी स्किन के लिए। और इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ आपको सिर्फ होम मेड इन्ग्रीडियंट्स ही लगाना है, लाइक दीज नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स से ही आप ये फेशियल कर सकते हो घर पे। तो इसको ट्राई करिएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये फेशियल। एंड प्लीज़ पहले फेशियल करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मैटर्स टू मी अलॉट। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लग रही हैं। सो लेट्स गेट इन टू द फेशियल। राइस फेशियल के अपने आप में ही बहुत सारे फ़ायदे होते हैं स्किन के लिए, और कोरियन लोग दे यूज़ राइस एज द मेन इन्ग्रीडियंट इन देयर प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लीन माई फेस विद रॉ मिल्क। रॉ मिल्क हैज़ मैनी प्रॉपर्टीज, लाइक इट इज़ रिच इन लैक्टिक एसिड, वाइटामिन ए, के एंड मैनी अदर थिंग्स। सो ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर देगा, और रॉ मिल्क बहुत अच्छा एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी होता है। सो इट इज़ गोइंग टू लीव माई स्किन क्लियर एंड इट इज़ गोइंग टू क्लीन द पोर्स फ्रॉम इनसाइड। सो मैंने कॉटन बॉल में रॉ मिल्क लिया हुआ है और अपने फेस को मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से इससे। देन द सेकेंड स्टेप इज़ एक्सफोलिएटिंग। राइस पाउडर बहुत ही फाइन एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, ये बिल्कुल भी स्किन को हार्म नहीं पहुँचाता है। सो आई एम टेकिंग राइस एंड देन रॉ मिल्क एंड देन टोमेटो। टोमेटो जो होता है वो आपके पोर्स को रिड्यूस करता है, स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हाइपरपिगमेंटेशन से बचाता है, एंड देन इट इज़ गोइंग टू गिव यू मेनी बेनिफिट्स। जैसे आपके एक्ने स्कार्स हो जाते हैं तो वो एक्ने स्कार्स को भी लाइटन करता है और एक्ने के अकरेंस को भी प्रिवेंट करता है। लेकिन अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है देन यू कैन अप्लाई टोमेटो, बट देन इफ़ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन देन प्लीज़ अवॉइड यूजिंग टोमेटो इन दिस एक्सफोलिएंट, बिकॉज टोमेटो कैन कॉज यू रेडनेस ऑन योर स्किन। तो मुझे तो सूट करता है तो मैंने अप्लाई किया हुआ है ये। एंड आपको राउंड मोशंस में इसको अपने फेस पे लगाना है बहुत ही हल्के हाथ से, क्योंकि जब आप एक्सफोलिएट करते हो स्किन को तो बहुत ही लाइटली एक्सफोलिएट करना है स्किन को, क्योंकि स्किन डैमेज भी हो सकती है। वैसे तो राइस पाउडर बहुत ही फाइन एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है, बट देन टू आई विल अगेन से प्लीज़ एक्सफोलिएट योर स्किन वेरी लाइटली, और वंस अ वीक एक्सफोलिएटिंग इज़ नेसेसरी फॉर योर स्किन। यू कैन सी माई फेस। उसके बाद मैंने मसाज क्रीम बनाई हुई है, और वो क्रीम मैंने कुक्ड राइस, एलोवेरा जेल, रॉ मिल्क एंड हनी से बनाई है। एलोवेरा जेल तो वैसे भी अपने आप में ही ऑल द स्किन टाइप्स को सूट करता है। एलोवेरा जेल से लोग मसाज भी करते हैं और कुक्ड राइस भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने जैसे कुक करते हैं राइस वैसे कुक करिए घर में और उसको बचा लीजिए, एंड देन आप अपने मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लीजिए। और हनी तो वैसे भी एक्ने के लिए बहुत यूज़ होता है, नेचुरल ग्लो देता है स्किन को हनी। सो हनी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं स्किन के लिए, और कोई भी जो है जैसा भी आपके स्किन है तो आप हनी यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही सेफ रहता है स्किन के लिए। फिर मैंने मसाज कर रही हूँ मैं अपने फेस पर बहुत ही राउंड मोशंस में और हल्के हाथ से कर रही हूँ। मुझे जब मैं मसाज करती हूँ ना, मैं थोड़ा म्यूज़िक प्ले करती हूँ तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फीलिंग आती है कि हाँ मैं मसाज कर रही हूँ, देन आई एम इन्जॉइंग द लग्जरीज। सो बहुत अच्छा मुझे लगता है। तो यू जस्ट मसाज योर फेस लाइटली विद दिस क्रीम। ये क्रीम आपके स्किन को लाइटन बनाएगी, जैसे किसी की हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है या फिर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है तो ये टैनिंग को रिमूव करेगी और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये आपके सेल्फ ग्रोथ को प्रमोट करेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी जिससे आपका फेस ग्लो करेगा, और इट विल गेट रिड ऑफ द ब्लेमिशेस ऑन योर फेस। सो यू कैन मसाज इट लाइटली एंड क्लोज योर आइज एंड एन्जॉय द मसाज। मैंने नेक पे भी मसाज किया है, नेक को कभी नहीं भूलना है कभी भी कोई सी भी स्टेप में।
सो मैंने फेस पैक्स बनाया है, उसमें मैंने कुक्ड राइस, एलोवेरा जेल, रॉ मिल्क यूज़ किया है, देन मैंने इसमें ग्राम फ्लोर, टर्मरिक एंड रोज़ वाटर ऐड किया है। ग्राम फ्लोर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं स्किन के लिए। टर्मरिक और ग्राम फ्लोर तो वैसे भी बहुत ही नेचुरल फेस पैक होता है और लोग बहुत ज़्यादा अपने होम मेड इन्ग्रीडियंट्स में यूज़ करते हैं, DIYs में यूज़ करते हैं। तो ग्राम फ्लोर वैसे भी जो एक्सेस ऑयल होता है उसको हटाता है, एक्ने को भी प्रिवेंट करता है, टैन रिमूव करता है, एक्सफोलिएट करता है स्किन को। रोज़ वाटर तो नेचुरल टोनर है, तो ये आपके पोर्स को श्रिंक करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा और जो pH होता है स्किन को उसको भी मेंटेन करेगा। टर्मरिक में जो होती है वो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी स्किन को। और वैसे भी टर्मरिक आपके स्किन के लिए भी अच्छा है और अगर आप इनटेक करते हो ओरली तो भी बहुत अच्छा है, जैसे हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा होता है आपके लिए और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो टर्मरिक तो वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है। सो मैंने इसमें जो है जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए मैं इसको फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, फेस पैक को। ये लास्ट स्टेप है फेशियल का, सो इट इज़ गोइंग टू टाइटन माय स्किन और देन आई विल जस्ट अप्लाई इट ऑन माय फेस एंड देन लीव इट फॉर एटलीस्ट आई थिंक 20 मिनट्स सो दैट इट कैन ड्राई आउट, और जब वो ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको हटा दूँगी। तो राइस के जो फेशियल होता है ना वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको जो नेचुरल ग्लो आएगा ना तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा। राइस एज अ नेचुरल सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, ये सनबर्न से आपकी स्किन को बचाएगा एंड देन इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ क्लियरिंग एजेंट एंड इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल शाइन ऑन योर स्किन। तो ऑयली स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है फेशियल, ये कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकता है ये फेशियल। आप मेरी स्किन को देख सकते हो कितनी क्लियर दिख रही है। नाउ आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माय फेस विद अ मॉइस्चराइजर, आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो एंड देन यू डोंट हैव टू अप्लाई एनीथिंग ऑन योर फेस, लाइक यू डोंट हैव टू वॉश योर फेस विद फेस वॉश टिल अ डे। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको और कितना बेनिफिट हुआ आपको इस फेशियल से। सो आई विल बी देयर विद माय नेक्स्ट वीडियो एंड टू सी यू टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।